बलिया से बड़ी खबर। बलिया में घोषित छात्र संघ चुनाव का नामांकन आज स्थगित की सूचना पर भड़के छात्र। जनपद के 6 डिग्री कॉलेज के छात्र रहे मौजूद। छात्र नेताओं के साथ उनके समर्थक छात्रों ने जमकर किया हंगामा। टीडी कॉलेज चौराहे पर किया चक्का जाम और भाजपा नेताओं के लगे होर्डिंग्स भी छात्रों ने फाड़ा। मौके पे भारी पुलिस बल मौजूद। छात्रों को जिला प्रशासन मनाने में जुटा। स्वर्ण रानी के साथ बलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। किस तरीके का धरना प्रदर्शन हो रहा था? छात्र संघ चुनाव की तिथि जिला प्रशासन के आदेशानुसार उनके बैठक के द्वारा ही प्रचार और छात्र नेताओं के बीच में निर्णय हुआ था। जनपद में 20 को नामिनेशन होगा, 24 को चुनाव होगा। आज छात्र नेता जनपद के जब काउंटर पर गए हैं तब चुनाव स्थगित का सूचना दिया गया है। ये बलिया के छात्र नौजवानों के साथ छात्रों के साथ कोरा मजाक किया गया है। जो किया है उसका साथ उसी तरह का नतीजा छात्र नौजवान आने वाले दिन में देंगे। कितने अभी आप लोगों ने धरना दिया था, उस धरने के बाद आप लोगों का निर्णय क्या रहा? अभी निर्णय होगा। अब सारे छात्र नेताओं का बैठक, सारे लोगों से बात करके कल या परसों में बैठक किया जाएगा और पूरे जनपद का हर एक चौराहा जितना चौराहा होगा जाम सहित बलिया में जब तक छात्र संघ की घोषणा न होगा छात्र कर्फ्यू का ऐलान। कितने कॉलेजों का चुनाव होगा? कॉलेजों में नामांकन के जितने महाविद्यालय एडेड महाविद्यालय हैं जिसमें चुनाव होता था, केवल सुधीशपुरी का चुनाव नहीं हो रहा था, सारे जगह चुनाव हो रहा था। सारे सिकंदरपुर से लेकर के मथुरा, दुबे छपरा, दुबहण, शहर के तीनों कॉलेज। अभी कुछ प्रशासन से बात हुई है? अभी प्रशासन का प्रशासन बात करने की स्थिति में नहीं है। सारे छात्र नेताओं से अभी बैठक इसी स्तर पर हुआ है। हरे चौराहे पर हरे जनपद के छात्र नेताओं से संपर्क में हम लोग हैं। सारे लोगों का संपर्क करके जगह एक साथ बैठक किया जाएगा डीडी कॉलेज में और उस दिन लिया जाएगा। तब तक कॉलेज से लेकर और जिला प्रशासन का हर एक हथकंडा बंद कर देंगे।